तो शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट कब होगा भाई, कब होगा, कब होगा भाई? क्योंकि ये क्या है कि ये एक तो देखो अभी इस चीज़ के अगर आप इस चीज़ को अपोज करोगे तो भाई आप बिल्कुल गलत हो कि अनाउंसमेंट नहीं हो रही है भाई। वो अनाउंसमेंट एक साल दो साल नहीं करके भाई इतना बड़ा हाइप बना दिया उस बंदे ने कि पहली फिल्म उतरती है सीधा 300 करोड़ क्रॉस करती है, दूसरी फिल्म उतरती है 400 करोड़ क्रॉस करती है, हज़ार दोनों वर्ल्ड वाइड कर देती है। तो अनाउंसमेंट को लेकर ज़्यादा किचकिच नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो बनाकर, ये चांसेस ऑफ हिज फिल्म गेटिंग अनाउंस, ये कोई एक तो पहले बात वो एक्सटेंडेड कैमियो वाली फिल्म है। द किंग इज नॉट एन ऑफिशियल SRK फिल्म, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो एक्सटेंडेड क्या है बोलते हैं ना, वो कौन सी मूवी थी यार आमिर खान की, सीक्रेट सुपरस्टार, हाँ वो भी एक 22-30 मिनट्स का कैरेक्टर था उस बंदे का उस फिल्म के अंदर, 30 अंतिम, अभी सलमान खान की अंतिम फिल्म, तो वो काइंड ऑफ कैटेगरी के अंदर आ जाती है वो फिल्म। तो ऑफिशियली अगर SRK की कोई नेक्स्ट फिल्म है तो वो मे बी पठान 2 या तो राजन DK वाली फिल्म, ये दोनों में से कोई एक फिल्म पहले रिलीज होने, कौन से पहले रिलीज होंगे मैं नहीं बोल सकता, बट जो भी फिल्म है 2026 के अंदर में दो फिल्म रिलीज होने वाली कन्फर्म है। तो अनाउंसमेंट का क्या है, अनाउंसमेंट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अभी रिसेंट के टाइम्स के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये अनाउंसमेंट का जो खेल चल रहा है ये होगा नहीं, ये मे बी इन केस 0.1% चांसेस है कि अप्रैल के एंड में हो, अप्रैल के जो वीक में, बिकॉज क्या है कि अप्रैल ही वो महीना है शायद, मैं अगर उस टाइम पे अगर मैं बाहर ना गया हो, मैं लाइक मैं अपने वापस जॉब में ना गया हो, तो अप्रैल ही वो महीना है जहाँ पर मुझे एक चीज़ कंफर्म पता चली है कि प्री प्रोडक्शन का काम जो है पठान 2 का प्री प्रोडक्शन का काम वो चालू होने वाला है। एंड मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं वो कहाँ चालू होने वाला है, उससे जितने भी अपडेट्स रिगार्डिंग पठान 2, चाहे वो प्री प्रोडक्शंस के, चाहे फिल्म के फाउंडेशंस में हो, चाहे वो सॉन्ग्स में हो, चाहे वो स्टोरी लाइन का तो नहीं पता चलता है, कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, सीक्वेंसेस हो सीक्वेंसेस छोड़ दो यार, तो ये सारी चीज़ें हो तो नो डाउट मुझे अप्रैल से ये चीज़ पता चलना चालू होंगे, अगर वहाँ पर प्री प्रोडक्शन इस फिल्म का चालू होता है तो पठान 2 का, और अगर नहीं होता है तो जब भी चालू होगा तो वो चीज़ मैं फर्स्ट, मैं जहाँ भी हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं कोई भी फॉरेन कंट्री में हूँ, कहीं किधर पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं फ़ोन से कमती क्वालिटी वाले कैमरे से या कुछ भी हुआ मैं वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगा। नो डाउट कि आपको अपडेट्स रिगार्डिंग जो भी है और फिल्म के सीक्वेंसेस, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं उनको पता नहीं क्या एक्चुअली क्या चीज़ हूँ मैं, ये चैनल में क्या चलता है, बट जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी सीक्वेंसेस के कुछ भी जो भी चीज़ें जब स्टार्ट होती है, क्योंकि YRF की फिल्म है पठान 2, मुझे पता, मेरे को टेंशन नहीं है वो जो उसके अपडेट्स देने में, तो ऐसा है कि सीक्वेंसेस के जो भी चीज़ें आई तो मैं बराबर ज़रूर वीडियो बना कर डालता रहूँगा। और रिगार्डिंग अनाउंसमेंट मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के टाइम पे हो जाना चाहिए, बिकॉज उसी टाइम पे प्री प्रोडक्शन का काम चालू होगा, मे बी ये लोग एक अनाउंसमेंट टीज़र भी बना दे पठान 2 का, नो डाउट अगर ये कर देते हैं तो ये लोग भी फिल्म का हाइप ऑलरेडी दो साल पहले बन जाएगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसके चांसेस बहुत कम है। एंड एक्सटेंडेड कैमियो को लेकर वो किंग मूवी है वो कभी भी अनाउंस हो सकती है भाई, वो ऐसा है कि वो चलते फिरते वो कभी भी मिड सेक्शंस ऑफ 2024 या कहीं पर भी अनाउंस हो सकती है, क्योंकि 24 में तो कोई फिल्म नहीं है, 25 में भी मेरे हिसाब से कोई फिल्म नहीं, एक्सटेंडेड कैमियो वाली वो किंग मूवी वो मे बी रिलीज़ हो सकती है, इसकी फर्स्ट फिल्म जो होगी बड़ी फिल्म ऑफिशियल फिल्म वो 26 के अंदर ही आएगी, मे बी वो राजन DK वाली फिल्म होगी जो कि फटाफट ये लोग शूटिंग कर लेंगे, और या तो मे बी पठान 2 होगी जो पहले सेक्शन में रिलीज होगी, राजन DK वाली फिल्म पीछे सेक्शन पर रिलीज होगी। तो अपडेट्स अलग हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपडेट्स का क्या है मिल जाएंगे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिल जाएंगे, मिलते अपने अगले से, तब तक ले।